हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब इस ब्यूटीफुल से सीरीज के आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस एपिसोड के स्टार्ट में शो में एक न्यू विलेन की एंट्री होती है, मिस्टर अनुचा, एक मल्टी बिलियनर आदमी जिसका शौक बहुत अजीबोगरीब सा है। इसने अब तक बहुत सारे जानवरों का शिकार किया है जो इनका इंटरेस्ट है। एंड अब इनका नेक्स्ट टारगेट टाइगर किंग है जो कोई ऑर्डिनरी टाइगर नहीं है। सो उसका शिकार कर इनकी ख्वाहिश है अपने कलेक्शंस में ऐड करना और उसकी शोभा बढ़ाना, जिसके लिए ये लोग फॉरेस्ट ऑफिसर्स से ये बोलकर परमिशन मांगते हैं कि हम सिर्फ इस जंगल में विजिट के लिए आना चाहते हैं। लेकिन ये लोग इतने भी स्टूपिड नहीं थे, इन्हें अनुचा की रियलिटी के बारे में पता था, सो परमिशन अलाउ नहीं करते हैं, जिससे ये आदमी भड़क जाता है। कहता है, देखता हूँ मैं भी कि मुझे कौन रोकता है। इधर परी गाँव वालों की बातें सुन बहुत क्यूरियस हो गई थी। अब उसे खुद ही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी थी और कैनिंग की डेथ के पीछे की वजह भी जाननी थी, एंड ये भी कि आखिर क्या रीज़न है कि मैं और सैम हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। सवाल बहुत थे जिसका जवाब सैम के घर में सेंध मारने के बाद ही शायद मिल सकता था। सो परी इसमें अपनी एक टीचर फ्रेंड से हेल्प लेती है। वहीं दूसरे साइड ये दोनों आपस में बातें करते हैं। केलोंग कहती है, हम इतना ट्राई कर रहे हैं बट वे दोनों तो एक दूसरे के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर सैम परी से बहुत प्यार करते हैं। नॉन्था कहता है, तुम हमेशा से डॉक्टर सैम के पीछे भागती रही हो, अगर उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है तो तुम अब उनके पीछे मत जाओ, किसी और से प्यार करो। केलोंग कहती है, बट किससे? जब मैं छोटी थी प्ले करता है जो केलोंग को बहुत पसंद आता है। इन्हें शायद खुद को ही नहीं पता था कि यहाँ पर दोनों ऐसे बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। वेल, आगे परमिशन ना मिलने के बाद भी जानवरों का दुश्मन अनुचा ने फुल तैयारी के साथ जंगल में हमला बोल दिया था, जिसका टारगेट था अपना टाइगर बॉय, द टाइगर किंग। जंगल से आ रही गोलियों की आवाज़ सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं कि आज रात हमें रेड मून के लिए अपना रिचुअल परफॉर्म करना होगा। वहीं ये लोग भी जंगल में लगे कैमराज की वजह से अनुचा को उसकी पूरी टीम के साथ वहाँ देख लेते हैं और बातें करते हैं कि पैसे के घमंडी उस आदमी को उसके मन की करने से कोई नहीं रोक सकता। इधर परी सैम के घर में चोरी छुपके घुसने के लिए आज ही का दिन चूज की थी। ये टीचर सॉम है जो उसी की स्कूल की एक टीचर है और इन सब में उसकी हेल्प कर रही थी। इसके बाद अपने झूठे पेट दर्द का बहाना लेकर सोम डॉक्टर सैम से मिलती है, जिससे कि ये इन दोनों को ही अपने बातों में उलझा रखे और पीछे से परी घर के अंदर एंटर कर जाए। सब कुछ हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा था जैसा इन लोगों ने प्लान किया था। वहीं दूसरे साइड इन लोगों ने रेड मून के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। परी नोटिस करती है और फिर घर के अंदर आने लगती है, इनफैक्ट कि आ भी जाती है। इतने में रेड मून नाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जो होते ही सैम को खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है। उसे जल्दी जल्दी में भागते परी देखती है। इधर आंटी ओंग बहुत हड़बड़ी में टीचर सोम को वहाँ से निकालने लगती हैं, ये कहते हुए कि जो मेडिसिन दी है उसे खा लेना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल सुबह आना। सोम घर के बाहर थी और परी घर के अंदर। वेल, परी सैम के पीछे पीछे ऊपर तक आती है जहाँ वो पहले भी आ चुकी थी। इधर सैम का तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लग गया था।
जिसके बाद वो सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं देख पाती। तभी टीचर सोम इसे मैसेज कर बताती है कि मैं घर के बाहर हूँ और यहीं पर ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इसके बाद परी वहाँ की चीज़ों को एक एक कर देखना स्टार्ट कर देती है। वेल, आगे हमें इन सभी ऑफिसर्स को जंगल में दिखाते हैं, जहाँ रेडमून देखकर अचरा थोड़ी हैरान थी। ये कहते हैं ये सभी टाइगर को मारने के फिराक में घात लगाकर बैठे हुए थे। इतने में वहाँ ये सभी ऑफिसर्स पहुँचते हैं और अनुचा से कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को हर्ट करना इलीगल है, सो शांति से सिलेंडर कर दो। पर उधर से तो वे लोग फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसके बाद तो फिर दोनों ही साइड से फायरिंग होने लगता है, जिसमें बेचारी अचरा जख्मी भी हो जाती है। लेकिन इनकी फायरिंग थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद यूँ सभी के सामने एंट्री होती है टाइगर किंग। वो डेंजर में देखकर टाइगर किंग के सामने में फेंक देता है, जिससे वो मार भी डालता है। अनुचा अपनी सेफ्टी के लिए टाइगर किंग पर फायरिंग करने लग जाता है, पर उसे था कि कुछ होने वाला कहाँ था। इतने में वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं और इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। इनके आते ही टाइगर किंग वहाँ से जा चुका था। दूसरे साइड हम परी को देखते हैं, पड़ी उसके पिक्चर्स और साथ ही कुछ लेटर्स भी, जिसमें सैम ने लिखा था कि अब हम पहले की तरह साथ नहीं रह सकते हैं, तो तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ, मैं पहले वाला सैम नहीं हूँ, बिल्कुल बदल चुका हूँ। अगर मेरे बारे में जानोगी तो मुझसे हेट करने लगोगी। परी ये सब पढ़ने के बाद सोचती है कि आखिर 5 साल पहले उसके साथ ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से वो सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो गया था। तभी उसे किसी चीज़ की तेज आवाज़ खून से पूरी तरह लथपथ, जिससे यूँ कोई भी देखकर डर ही जाता। परी का हाल भी कुछ ऐसा ही था, उसे बहुत बड़ा सा झटका लगा था। नेक्स्ट सीन में सैम उसे अंदर लेकर आता है और वेट कर रहा था कि कब वो होश में आए। साथ ही इसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं वो होश में आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। इधर टीचर सोम परी के वापस नहीं आने पर उसकी फिक्र करने लग जाती हैं, तो फिर लास्ट में आंटी ओंग से बता देती हैं कि परी अंदर है, मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। आंटी ओंग कहती हैं वो डॉक्टर सैम के साथ किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस कर रही है, तुम चली जाओ, उसका जैसे ही हो जाएगा मैं खुद उसे वापस छोड़ दूंगी। वेल, जब परी होश में आती है तो उसका सामना सैम से होता है। परी काफ़ी डरी हुई थी, जो उसे देखकर और भी ज़्यादा घबराने लग जाती है। कहती है मैंने एक टाइगर देखा जो बहुत बड़ा और काफ़ी डरावना था, एंड थोड़ी देर में ही वो टाइगर तुम में चेंज हो गया, तुम एक टाइगर हो। सैम कहता है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? परी कहती है कैनिंग ने भी तुम्हें ऐसे ही एक दिन देख लिया होगा, तो क्या वो तुम्हारा सीक्रेट जान गई थी इसीलिए उसे मार डाला? अब क्या तुम मुझे भी मार डालोगे क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में इतनी बड़ी बात जान गई हूँ? ये सुनकर सैम को बहुत बहुत बुरा लगता है, सो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक मर्डरर हूँ? तो हाँ, सही बोल रही हो, कैनिंग को मारने वाला मैं हूँ, मैंने ही उसे मार डाला। अब तुम जान गई ना जो भी कुछ तुम्हें जानना था, तो प्लीज़ यहाँ से जा सकती हो, जस्ट लीव, और फिर कभी वापस यहाँ लौट कर मत आना। बेचारा सैम रोने लग जाता है। वहीं परी, वो भी बहुत काफ़ी हर्ट थी और ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। तभी नॉन था परी को किसी नुकीली चीज़ से वार कर बेहोश कर देता है, एंड वो बेहोश हो भी जाती है। आंटी ओंग कहती हैं अच्छा हुआ जो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर हेल्प के लिए बुला लिया था। केलोंग कहती है परी हमारे ट्राइब की इस सीक्रेट को जान चुकी है, अब हम इसे ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं। इसके बाद ये के सामने परी ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। इसके बाद जब परी को होश आता है तो नॉन्ता उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर बात करने के लिए लेकर आया हूँ। वेलफेयर गुरुजी कहते हैं कि आउटसाइडर को ये जानना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट क्योंकि तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद परी को स्टार्ट से लेकर अब तक की टाइगर किंग रिलेटेड सारी बातें बताई जाती हैं। टाइगर किंग में इनके पूर्वजों की आत्मा होना और उसका कितनी पीढ़ियों से फादर टू सन डिलीवर होते चले आना,
टाइगर किंग वो है जो हमारे इस फॉरेस्ट के सभी क्रिएचर को प्रोटेक्ट करता है। आगे वे इसे बताते हैं कि हमारे जो पिछले टाइगर किंग थे, आईमिन के नॉन्था के डैड, तो उनके मरने के टाइम, मतलब कि जब उनकी कंडीशन ख़राब थी, उस टाइम तक नॉन्था का जन्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने सैम को देखा जो 5 साल का बच्चा था। उस टाइम पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो इनके सारे पावर्स को हैंडल कर सकता हो। सो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे पावर्स उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। तब से वो हमारा टाइगर किंग हो गया। टाइगर किंग स्पिरिट हमारे ट्राइब की बहुत बड़ी सीक्रेट है, जिसे किसी भी आउटसाइडर को जानना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट क्योंकि तुम जान चुकी थी, इसीलिए हमें तुम्हें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करनी पड़ी। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। परी कहती है, ओके, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। देन कहती है, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसे फिक्स कर सकें? नॉन्था कहता है, एक तरीका है, डेथ, जिससे सैम को अपने इस लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और केलोन कहती है कि जब तक डॉक्टर सैम जिंदा रहेंगे, उन्हें अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी होगी। नहीं तो एक रास्ता और है कि वो अपनी पावर किसी और के बॉडी में पास ऑन कर दें, क्योंकि वो नॉर्मल तो होने से रहे हैं। ये सब सुनने के बाद आप खुद ही सोच सकते होंगे कि परी को कैसा लग रहा होगा। वो जितनी हैरान थी, उतनी ही ज़्यादा परेशान भी। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।